डॉक्टर स्टे पे आज सभी अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने मिलकर डॉक्टर स्टे बनाया और सभी चिकित्सकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच जो अपने मानव सेवा से जुड़े पहलू हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। किसी एक पेशे को ध्यान में रखते हुए कैसे अपन सामाजिक सरोकार से परिवार की साथ साथ कैसे देखभाल कर सकते हैं, मानवीय पहलू से जुड़े हुए सारी बिंदुओं पर सारी चर्चा हुई और अपन इस पेशे को आगे और कैसे विस्तार कर सकते हैं, कैसे मानव सेवा को और अपन आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर स्टे पे एक अच्छी थीम होती है, तो इस संदर्भ में हमने ये डॉक्टर स्टे को मनाया। कई बार बिल्कुल ये जिस दिन ये शुरू से लगता है कि हम इस सेवा से जुड़े हैं, अगर ये पेशा अपन ने चुन लिया कि मैं डॉक्टर का पेशा चुना, तो ये ख्याल उसी दिन से उसी सेवा से जुड़ जाने चाहिए कि मेरे को एक सेवा का जो मौका भगवान ने दिया उसको कैसे मैं निभा सकूं। ड्यूटी के साथ साथ ये लगता है कि मैं ऐसा नहीं कि 6-8 घंटे की ड्यूटी पूरी होगी, उसके बाद भी जैसे 24 घंटे भी हमें रहता है, कॉल पे है या कुछ इस तरह से पेशेंट से जुड़े हुए काफ़ी सारे फ़ोन भी अटेंड करने पड़ते हैं, दोबारा भी हॉस्पिटल आना पड़ता है, सारी एक तरह से 24 घंटे ही एक तरह से काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बीच भी हमें परिवार को देखना, समाज सेवा से जुड़े हुए या परिवार से जुड़े हुए सारे काम भी करने पड़ते हैं, बट इनको सामंजस्य रख के ही हम आगे बढ़ते हैं। बट ये लोगों को आज की तारीख में समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट तो एक मरीज के हित में हम भी काम करते हैं, लेकिन पेशेंट का कोई सीरियस आता है तो उसको लगता है कि मेरा काम तुरंत हो, जल्दी हो, बट ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। बट डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशे से जुड़ी सारी चीज़ें ईमानदारी से ही करते हैं, ऐसा कभी मौका देते नहीं किया ना हमारी। क्या क्या संदेश रहेगा आज डॉक्टर स्टे पर? डॉक्टर स्टे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी चिकित्सक इस सेवा से आज तक जो कार्य करें उनको और आगे लेके जाएं, समाज सेवा से किसी भी तरह की अगर कोई खामी है तो अपने सेवा से जुड़े हुए चीज़ों को भी समाज में देखें। आपको डॉक्टर स्टे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। क्या जीवन में बहुत बड़े देखो, भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और इस दिन आम आदमी को भी मौका मिलता है कि डॉक्टर की महत्व जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वो उसके नज़दीक बैठ के उनका समर्पण भाव उनकी जिम्मेदारियों का आभास करता है, और अनेक संगठन IMA ये सब उनकी जिम्मेदारियों का, उनके कर्तव्य प्राण कर्तव्य का देखते हुए उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। और हम सभी लोगों का कहना है कि स्वस्थ समाज व स्वस्थ परिवार रहेगा तो स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना संजोई जाएगी। तो डॉक्टर की भूमिका एक समाज में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि वो समाज को स्वस्थ रखें। बहुत बार ऐसी असामान्य परिस्थितियां बन जाती है जिसमें डॉक्टर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उसको इन सब चीज़ों से देखते हुए, इमरजेंसी को देखते हुए, अपनी इमरजेंसी कौन सी है, किसको पहले देखना है, पहले किसका क्या इलाज करना है, वो अपने सविवेक से अच्छा करना चाहता है। डॉक्टर तो सामने अगर मरीज होता है तो यहाँ तक प्रयास करता है कि अगर मेरी जान इसमें डाल के मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ तो अपने जान भी डालने की पूरी करता है। फिर भी असामान्य परिस्थितियों में कभी कभार आपस में बहस हो जाती है, तो ये तो एक नॉर्मल सा है, क्योंकि अपन मानते हैं जिनके यहाँ कोई परेशानी होती हैं तो उनके काफ़ी उनको एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लगती है। तो मेरा चिकित्सकों से निवेदन भी है कि इस चीज़ को देखते हुए संयम बरतते हुए और मरीज का इलाज उचित समय पे उचित इलाज किया जाए। सर, ईश्वर के बाद डॉक्टर ही होता है जो एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है। कोरोना की महामारी आई उसमें डॉक्टर अपने खुद की परवाह ना करते हुए, परिवार की परवाह ना करते हुए मरीजों के बीच रहा, उनका इलाज किया, उसके बारे में। भाई डॉक्टर बने थे तब सबसे पहले आदमी ने यही शपथ ली थी कि आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पास सब कुछ होगा,
पर जो समय है वो समय मरीजों का होगा, वो समय मेरा नहीं होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा, मेरी प्राथमिकता मेरे मरीज रहेंगे। कोरोना एक विश्व त्रासदी आई, उसमें डॉक्टरों की, उसमें जैसे लड़ाई होती है तो फौज की ज़रूरत होती है, तो जैसे ही बीमारी आई तो बीमारी में डॉक्टरों को एज ए फौज की तरह काम करना था, इसको ख़त्म करना था। उसमें उसको ये नहीं देखना था कि मैं मरूंगा या जीऊँगा, उसका पहला ध्येय था कि उसके मरीज ज़्यादा से ज़्यादा बचने चाहिए, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसने एज ए फौजी की तरह अपने फील्ड में काम किया और कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो सब ईश्वर की देन है। पर लगभग 100% चिकित्सकों ने अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करी। फिर ऊपर वाले पे हैं, जो चाहता है वही होता।